हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो भाई, शादी के ब्लॉग्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। शादी ख़त्म हो गई, अच्छे से सब कुछ निपट गया। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि जो शादी हो रही थी वो मेरे क्या लगते हैं, वो मेरी ननद लगते हैं बहुत बार, क्योंकि ब्लॉग में आ चुके हैं पहले भी। और पतिदेव की ये रियल चाचू की बेटी हैं। एक और क्वेश्चन था आपका, जी हाँ, ये इकलौती लड़की है इनकी। अच्छा, यहाँ पर ये नेवला जो है मैंगो खा रहा है। शानवी और मिट्टू ने क्या किया था कि आधा आधा खाया और यहाँ फेंक दिया, तो नेवले को दिखा ये फट से खा रहा था। बस मैं उनको दिखा भी रही थी, यहीं पर खड़े हैं ऊपर ही मैं, कि ये देखो ये है तुम्हारे कांड। और यहाँ पे ना हमारे इधर साइड को बहुत सारे नेवले हैं, मॉनिटर लिजार्ड्स भी हैं, तो फिर मैं इनको नीचे जाने नहीं देती बच्चों को। ये देखो जी, बारिश लेकर के आए। देखो, नहीं, मौसम बढ़िया। क्या नमस्ते जी, नमस्ते जी। बारिश लेने आई मैं, देख बोलू पहले वरना जी। ये लो जी, खूब तेज बारिश हो रही है। हाँ जी, मजा आ गया ना तुझे भी? क्यों जी, मजा मजा आ गया ना आपको भी? बहुत मजा आ गया। हाँ, तो ये लेकर के, ये लोग लेकर के आए है ना, तो इनको धन्यवाद बोलो। नहीं तो बुरी हालत होगी थी। बहुत ज्यादा। हाँ जी, अभी हार्डली 5 मिनट पहले स्टार्ट हुई है बारिश ना, तो बस अब रात में लगी रहे और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हाँ, आज लाइट नहीं है, सुबह से नहीं लाइट भाई। कट कट था आज, कट। वही वही वही। अभी बन रहे हैं जी आलू के परांठे, और ये बन रहे हैं लंच में। जब से ना कमेंट में आपने किसी ने लिखा था, बोला हम डिनर में भी खाते हैं परांठे और लंच में भी, तो परिदेव ने बोला कि आज लंच में बोला परांठे बनाए जाए। और आज इधर हमारे इधर ना पानी नहीं है, तो मैं बड़ी कंजूसी से आटा गूंदने में भी कंजूसी कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल कम पानी लग सके। बिल्कुल भी नहीं है पानी, आज सामने बॉडी से लाना पड़ेगा पानी पीने के लिए भी। एक दो दिनों से आ ही नहीं रहा है, एक दो दिनों से क्या, जब से गोलू की शादी में हम लोग बिजी थे ना, तब से पानी आ ही नहीं रहा है। 2-3 दिन तो चलो वहां पे बिजी थे, फिर उसके बाद जब घर पहुंचे तब पता चला कि ओहो, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। अभी भी वो गए हैं, पाइप चेंज करवा रहे हैं शायद सामने से, क्योंकि वही बोला पिचक गई है कि क्या, और पीछे से भी लाइट के कट लगते रहते हैं ना, तो अभी इन्होंने सप्लाई चेंज करवा दी है, मीन्स पीछे से गवर्नमेंट ने। पहले आते थे हमें नीचे जो धर्मपुर साइड से ना, और अभी वाला रिश्ता साइड से आ रही है, तो फिर उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। चलो देखते हैं, अभी चलते हैं फिर, नहीं तो बॉडी पे और प्रॉन्ट ही सही सॉल्यूशन है, क्योंकि इसी में पानी बस पीने के लिए चाहिए होगा, बाकी प्रॉन्टे पका दिए तो हो गया। ये है प्यास लगी थी, ये सोच रहा था कि पानी तो नहीं, शान में मिट्टू के घर पे चले जाते हैं, पानी मिल जाएगा। इसलिए मिट्टू भी बोल रहा था कि पानी, नंदी को पानी चाहिए, पानी पी तू भी खूब सारा। बचा पौधे को, बचा कुछ पौधे में। आज ना हमारे इधर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब आज बिल्कुल भी पानी नहीं था। ये वाली टंकी हाफ जैसी भरी हुई थी, और बाकी ऊपर कहीं पर भी पानी नहीं था। तो सामने फिर कनेक्शन चेक करवाया, फिर उसमें काफ़ी पुरानी हो गई थी पाइप्स वगैरह, बीच में से पिचक भी गई थी, तो हमने सोचा कि इसको चेंज ही करवा देते हैं कनेक्शन को। उन्होंने बोला कि आपको प्राइवेटली अगर आप कर देते हो तो जल्दी हो जाएगा, फिर वो काम कि आज मतलब उसको चेंज करवाया। तो पतिदेव लगे हुए थे वहीं पे आज फस सारा दिन, और मैं यहाँ पे घर का बच्चे पढ़ा रही थी अभी। और अभी ये शाम जैसे का टाइम है, हम लोग बैठे हुए थे झूले पे। इस टाइम पे बाहर बैठ के ना झूले पे बैठना मतलब बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चली होती है। और ये देखिए, हम मिट्टू को साइकिल चलाने का बड़ा शौक है, तो ये साइकिल घुमाता रहता है, और शान भी यहाँ पे हम तीनों बैठे हुए हैं और आपस में गपशप कर रहे हैं। सनसेट, मैंने सोचा आपको व्यू दिखाऊं, और आवाज़ सुन रहे हो ना, बरसात स्टार्ट हुई नहीं कि इसी तरह की आवाज़ ना बाहर, मतलब ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़ोर से मतलब शोर चलता है। तो ये है जी अभी बहुत ही प्यारा सा सनसेट का व्यू।
और देखते हैं मेरे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम पढ़ाई कर रहे थे ना, अब बस वो छूटे हैं तो पक्का टीवी, हाँ बिल्कुल टीवी के पास जा कर के बैठ गए हैं। और ये नाई नाई होगी, ये शैनवी की नाई नाई, धूप में सो बैठे, चल 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 चलो धूप में। और मिट्टू कहाँ पे है शैनवी? नहा रहा है वो। चल आ जा मेरे, अरे मिट्टू राजा जल्दी आ जाओ, तुम्हारा बजाएंगे बाजा। बच्चों को स्कूल छोड़ने का मतलब मॉर्निंग का टाइम थोड़ा सा बिजी होता है, तो बस अभी बच्चों को नहला धुला करके खाना, इनको ना जब तक मैं खुद अपने हाथों से ऐसे ढूंस ढूंस के खिलाती नहीं हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करते और यूं ही चल पड़ते हैं। और दूध के गिलास तो बस वहीं डाइनिंग टेबल पे पड़े के पड़े रह जाते हैं, बाद में उठाती हूँ मैं। जितनी बार भी बोलेंगे ना कि शानू रह गया दूध का गिलास, हाँ ठहरो मम्मा ये कर लेती हूँ उसके बाद पीती हूँ, बस फिर वो रह जाते हैं। और यहाँ पे इनको तैयार भी कर रही होती हूँ ना और बीच में खिलाती भी रहती हूँ, तो पता नहीं चलता इनको भी कि अच्छा खा भी लिया। तो ऐसे ठग मंतर करने पड़ते हैं आजकल के इन बच्चों के साथ, मानते ही नहीं है, तो तभी तो सेहत फिर इस तरीके की रह जाती है इनकी। अच्छा इसके बाद ना अमेजोन से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस मैंने लिए हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ना एड सोच करके देखते नहीं है लेकिन बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको अपनी अमेजोन की शॉपिंग दिखाती हूँ। बहुत ही कमाल के ड्रेसेस हैं, सैंडल भी है, ज्वेलरी भी है, तो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल से कुर्ता प्लाजो सेट के साथ, और इसका कलर आप देख लीजिए बहुत प्यारा। एक तो इसका कलर है, पैटर्न की बात बताऊं तो देखिए आगे से कुछ इस तरीके का पैटर्न है गले के ऊपर, और ये मिक्स कॉटन है, गर्मियों के हिसाब से द बेस्ट है। इसे आप ऑफिस वेयर के लिए या फिर कहीं पर भी फंक्शन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, द बेस्ट लगेगा। बाजू की बात करें तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके बहुत कमाल के लगते हैं इस तरह के बाजू। मुझे ना फुल स्लीव ही अच्छे लगते हैं, फुल भी नहीं है मेगा बोल सकते हैं जितना मैंने पहन रखा है। बाकी साइड में आप देख ही रहे हो कि वेयर करके किस तरह से नजर आने वाला है। और गले की बात करें तो यहाँ पर भी इसको ब्लैक कलर में फिनिशिंग दी गई है, ब्लैक कलर के साथ ही ये देखिए जो इसमें लगा हुआ है। एंड बात करें प्लाजो की तो प्लाजो देखिए कुछ इस तरह का है, खुला जैसा है, बहुत ज़्यादा खुला नहीं लेकिन हाँ खुला है, और इलास्टिक ओवरऑल में लगा हुआ है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और कलर कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत ही बढ़िया है। मेरा तो ये वाला कलर ना बहुत 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 फेवरेट है, मैं हमेशा ही मतलब जब भी देख रही होती हूँ ना तो इस कलर पे आकर के अटक जाती हूँ। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सी ग्रीन कलर की मैंने ये जीन्स के साथ कुर्ती मंगवाई थी, अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल है, मिक्स कॉटन है, जैसा कि अभी मैंने आपको कुर्ता प्लाजो सेट बताया ना वह सेम वही कपड़ा है। गर्मियों के हिसाब से बहुत ठंडा रहता है, कॉटन ही सबसे बेस्ट रहती है। अगेन इसके बाजू भी इसी तरह के फोल्ड वाले और इस तरीके के हैं ना, ये बाजू मुझे बड़े पसंद है, लगभग मेरी सारी कुर्तीज़ में इसी तरह के बाजू आपको देखने को मिलते होंगे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रिंट की बात करें तो कुछ इस तरीके का प्रिंट है, कलर इसका बहुत ही प्यारा है, जबकि हमारे यहाँ पे आज लाइट नहीं है कहीं पर भी रूम में, जो नेचुरल लाइट है उसी में आपको दिखा रही हूँ, तो जो मतलब एग्जैक्टली कलर्स हैं वही यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं, और एकदम मतलब ना आंखों को बहुत ही शांति जैसा, ठंडक जैसा देता है, गर्मी के हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो ये जीन्स के लिए मैंने लिया था और मुझे बहुत पसंद आया, वियर करके आप देख ही रहे हो कि कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा इसके बाद ना मैंने ये बाटा की सैंडल्स भी ली हैं, ब्लैक कलर की ना, ब्लैक कलर की सैंडल्स बहुत प्यारी लगती है पाँव पे, मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने ब्लैक कलर में मंगवाई थी। बाकी कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, हल्की सी हील है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा भी होती है ना तो फिर संभलती नहीं है, तो इसे आप साइड में आप देख सकते हैं ट्राई ऑन में, और इसे आप मतलब जैसे भी साड़ी वाड़ी कुर्ता किसी भी उसके साथ पहन सकते हो, बहुत प्यारी लगने वाली है। अच्छा अभी मैं आपको दिखाऊँ ये वाला कुर्ता, तो ये जो है ना फ्रॉक स्टाइल में है, बीच में कट है, और ये पैटर्न मुझे बहुत बहुत पसंद है। मेरे पास 2-3 कुर्तीज़ हैं ऑलरेडी इसी तरह के पैटर्न की और मुझे बहुत पसंद आती है, खासकर जो लोग थोड़ा सा हैवी हो रहे होते हैं ना तो इस पे बहुत ही बढ़िया मतलब फिटिंग जैसी भी आती है, और दूसरा कि देखने में बहुत प्रीटी लगता है और उतना मोटापा भी नहीं दिखता, स्लिम लगते हैं थोड़े से, तो इस वजह से मुझे ये पैटर्न बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है कि पतलू भी नहीं जस्ता, पतलू भी बहुत जस्ता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हैवी हो रहे होते हैं। और घेर की बात कराऊँ तो ये देखिए, तो हाफ साइज घेर मैंने बताया आपको, ये देखिए पूरा घेर इसका देखिए बहुत
इसका घेर भी बहुत अच्छा, घेर के साथ ही इस तरह से फ्रॉक स्टाइल कुर्तीज अच्छी लगती हैं। बाकी जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, कट है ऑरेंज कलर का, इसमें ये पैटर्न है बटन वाला, अगेन बाजू पे भी इसी तरह की फिर फिनिशिंग दी गई है, सेम प्रिंट है कॉटन का, रियॉन का कपड़ा है ये, और आगे पीछे से सेम यही वाला प्रिंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये वाला मतलब घचपच वाला प्रिंट ना मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास ये कोई भी पैटर्न नहीं था इसलिए फिर मैंने सोचा मैं क्या एक तो होना ही चाहिए, तो ट्राई करते हैं। तो इस तरह का है, बाकी मैं आपको ज्वेलरी भी दिखाऊँ, एक और कुर्ता है जिसका दुपट्टा मैंने ये ऑर्डर रखा है वो भी दिखाती हूँ आपको, बहुत प्यारा है वो भी। तो ये देखिए, पहले तो आप चूड़ियाँ देखिए, गोल्डन कलर की हैं, लग रहा होगा ना आपको कि मतलब सिंगल सिंगल हैं, लेकिन तीन के साथ ऐसे ऐसे लग रहा है भी तीन की एक बना दी गई है। तो इन्हें आप सिंगल सिंगल भी पहन सकते हैं और दो दो करके भी पहन सकते हैं, या फिर बीच में कोई और चूड़ियाँ डाल करके उस तरीके से भी पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है और बिल्कुल जैसे गोल्ड की चीज़ें होती है ना, देखिए आप कहाँ, ये देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह का टच है। तो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये डेली वेयर के लिए भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इनका कलर ना मैंने पहले भी मंगवाई हुई थी, उनका कलर बिल्कुल भी मतलब फेड नहीं होता, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाई थी। अच्छा, एक और ज्वेलरी सेट मैंने लिया था जिसके झुमके मैंने यहाँ पे पहन रखे हैं। मतलब आजकल ना ऑक्सीडाइज का बहुत ज़्यादा रिवाज चला हुआ है, आप इसे फिर जैसे कुर्तीज़ के साथ पहनिए या फिर साड़ी के साथ पहनिए, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये ना इसमें दो हार हैं, ये देखिए, एक ये छोटा वाला है जो कि मैंने देखिए कुर्ती के साथ वेयर किया हुआ था, ये इतना है मतलब गले के साथ आपका आएगा, एंड इसको आप यूं करके डबल पहनना चाहें तो डबल भी पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहे डबल तो सिंगल आप इसे भी पहन सकते हैं और सिंगल आप इसे भी पहन सकते हैं, जिस भी तरह से आप मिसमैच करना चाहें उस तरीके से मिसमैच किया जा सकता है। और बहुत ही प्रीटी सा ये सेट मुझे लगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी था, अमेजोन की यही तो खासियत है। और एक बात और बता दूँ, अभी अमेजोन पे मॉनसून सेल भी चल रहे हैं तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट। तो अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुर्ती प्लाजो सेट ही है ये भी, अगेन देखिए इस तरीके का इसका पैटर्न है यहाँ पे गले पे, और जो सेम जो यहाँ पे है यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है बाजू पे, इसमें भी कॉटन का ये कपड़ा है और कलर आप देख ही रहे हो बहुत ही प्यारा सा लगता है इस तरह का कलर, और बैक साइड से इस तरह से है। एंड बात करें प्लाजो की, तो प्लाजो जो है इसका वो इस तरह से, इस पर भी जो इसके पोंचे हैं वहाँ पे फिनिशिंग दी गई है, और पॉकेट भी है इस तरह से, और जी इलास्टिक हाफ करके दिया गया है, हाफ इस तरह से और हाफ इस तरह से, तो इस तरह का है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही प्यारा है कलर वलर, और दुपट्टा दुपट्टा इसका, इसको आप किसी और सूट्स के साथ भी मिसमैच कर सकते हैं, ऑरेंज और पिंक प्लस गोल्डन ये कॉम्बिनेशन है इसमें, तो जिस भी हिसाब से आप चाहें उस तरीके से इसे भी वियर कर सकते हैं, अलग अलग कुर्तीज़ के साथ भी। बाकी इसके साथ तो बहुत प्यारा लग ही रहा है जैसा आप साइड में देख ही रहे हैं कि स्क्रीनशॉट में मैंने सबके प्राइजेस लगा रखे हैं, कहीं पर भी आपने मिस किया है तो बैक जा करके आप देख सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी अमेजोन शॉपिंग, और बाकी अगर आप कुछ और भी अमेजोन से चाहते हो कि मैं कुछ और नया ट्राई करूँ, आप देखना चाहते हैं हॉल उसका, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसे ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और आपको दिखाने की भी, और रियल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वही मैं शेयर करती हूँ, और बाकी जो अच्छी नहीं लगती उसके बारे में भी बोल ही देती हूँ कि नहीं इसमें थोड़ी सी चूक है। तो भाई ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि आप फैमिली हो फैमिली के साथ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।